बिहार शरीफ शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए बनी नई व्यवस्था के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। जाम में फंसकर लोगों की जान जा रही है। शनिवार को भी शहर के भराव पर रांची रोड, अंबेर चौराहा, नई सराय खंडक पर लगे भीषण जाम ने एक मरीज की जान ले ली। एम्बुलेंस करीब 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। मरीज सिलाव प्रखंड के कराह गांव निवासी मोहम्मद शेख है, जिसका इलाज जलालपुर स्थित मोती मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था, लेकिन चिकित्सकों द्वारा हालात को देखते हुए उसे विंस पावापुरी रेफर कर दिया गया। शनिवार को एम्बुलेंस मरीज को लेकर पावापुरी जा रही थी, लेकिन रांची रोड और भराव पर में लगे भीषण जाम ने वो 1.5 घंटे तक फंसा रहा, जिस वजह से मरीज की मौत एम्बुलेंस में ही हो गई। स्थानीय यातायात व्यवस्था की कमी की वजह से एक इंसान की जान चली गई, जबकि लगभग 4 वर्ष पूर्व बिहार शरीफ शहर में यातायात व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए यातायात थाना खुला, यातायात DSP तैनात किए गए। शहर में रोजाना कुल 80 यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, जबकि शनिवार को CM के आगमन को लेकर अत्यधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं रांची रोड से भराव पर तक रोजाना 6 से 7 यातायात पुलिसकर्मी की तैनाती होती है, लेकिन शनिवार को CM के आगमन को लेकर इसकी संख्या बढ़ाकर 10 से 12 कर दिए गए हैं। वहीं यातायात DSP ने कहा कि जाम की वजह से एम्बुलेंस में किसी मरीज की मौत हुई है ऐसी सूचना मुझे अब तक नहीं मिली है, और 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस जाम में फंसा रहा ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। मरीज के परिजन तो कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। शहर में जाम लगता है, लेकिन वहीं तकरीबन 10-15 मिनट काफी है। इससे ज्यादा देर तक लोग जाम में नहीं फंसे रहते हैं, चाहे तो आप हमारे साथ सामान्य वाहन से चले और देख सकते हैं। और आज शहर में CM के आगमन को लेकर अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है, तो इतना ज्यादा जाम तो हो नहीं सकता, और कहीं ऐसा हुआ है तो मैं इसका पता करता हूँ। 1.5 घंटा से भराव पर मोड़ पे जाम में है, पेशेंट वेट कर लिया है। मौत हो गई है? जी बिल्कुल। क्या जाम में फंसते कारण? मतलब बोले तो हॉस्पिटल मोड़ से इतना जाम था कि निकालने में बहुत देर हो गई। मोती मोड़ से कहाँ का पेशेंट था? कहाँ जा रहा था? पावापुरी। जी पावापुरी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। मोती मोड़ से रेफर किया तो मैं लेके जा रहा था पावापुरी हॉस्पिटल। साहिल भाई, आपके बेटी कौन से स्कूल में है? मेरा बेटी तो RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स में है। कैसा है ये स्कूल? बहुत अच्छा है। स्मार्ट क्लासेस, म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट क्लासेस, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जनरेटर की सुविधा, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षाएं, पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम एवं इंग्लिश बोलने और उर्दू भाषा पर विशेष ध्यान, साथ ही कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। ये तो बहुत ही अच्छी है भैया। जी हाँ, विशाल मैदान, इंडोर आउटडोर गेम्स और CCTV जैसे RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स है नालंदा जिला का सबसे फेवरेट और बेस्ट स्कूल। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स में करवाए। RPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स के 3 शाखाएं सोहनकुआ, कचेरी रोड और माकनपुर, बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। संपर्क करें 06112233707, 7899771018।